भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा हुआ मोर्चा अभिनाशन कौशल। आज चाइना पे हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, जो मारते मारते चाइना के 40 सैनिकों को मारे हैं, और उनकी याद में हम लोग ये शोक सभा आयोजित किए हुए हैं। आज हम लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि चाइना हर समय भारत को परेशान कर रहा है, छोटे छोटे देशों को अपना सहयोग देकर उनके द्वारा परेशान कर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, और आने वाले समय में बहुत बहुत बड़ा सबक दिया जाएगा चाइना को। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत है, ये उनका भारत है। चलिए, यहाँ पर आज आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं प्रखर चौसा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला मंत्री हूँ। आज हम सब युवा साथी मिलकर के यहाँ पे जो हमारे 20 जवान चाइना सीमा पर जो शहीद हुए हैं, उनको आज हम लोग मोमबत्ती जला करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। जिस तरह से हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 42 चीन के सैनिकों को मार गिराया, ये अपने आप में एक अद्भुत वीरता की निशानी है। और इसी के साथ जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी जी ने उन 20 शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रख करके यह संदेश देने का काम किया कि पूरा देश आज उन वीर जवानों के साथ है, उनके साहस के साथ है, उनकी वीरता के साथ है। ये आज आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं अनूप कुमार गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रायबरेली। आज हम लोग यहाँ पर जो पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, चीन के द्वारा गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिकों के साथ चीन की सेना ने विश्वासघात किया है, उसमें जो हमें क्षति हुई है और उसका करारा जवाब देते हुए हमारे सैनिकों ने उनके सैनिकों को मार गिराया है, अतः हम आज जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ पर श्रद्धांजलि रखी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी जनता को यह विश्वास दिलाया है कि माननीय मोदी जी के हाथों में यह देश सुरक्षित है, और अब चीन को उसी के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। धन्यवाद।